ये आपका फिर से स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस ट्रेनर। इंद्रियानि मनोबुद्धिर अधिष्ठानम् उच्यते एतिर् विमोहयति एष ज्ञानम् आवृत्य देहिनाम्। यानी कि एड्रेस क्या है, इंद्रियानि मनोबुद्धिर, इंद्रिय मन और बुद्धि, अधिष्ठानम् उच्यते, यही है इसके अधिष्ठात्री। अधिष्ठात्री मतलब अधिष्ठाता, अधिष्ठाता मतलब यही रहते हैं। इंद्रिय मन और बुद्धि, इन तीन जगह पे जाके लष्ट रहता है। अगर आपको लष्ट को अटैक करना है तो इंद्रिय मन और बुद्धि को प्यूरिफाई कर दो। वो प्यूरिफाई, जस्टिफाई मत करो, प्यूरिफाई करो, क्योंकि अगर नहीं किया, एतिर विमोहयति, विमोहित विमोहित, ये आपको विमोहयति, ये इतना विमोहित कर देगा, ज्ञानम आवृत्य देहिनाम, ज्ञान से ज्ञान को आवरण डाल देगा, आवरण ढक्कन, जितना ढक्कन छोटा उतना धंधा छोटा। तो अब एड्रेस भी पता चल गया, अब समझना है कि इसको ठीक कैसे किया जाए। पूरा वीडियो देखिएगा ध्यान से। अगले श्लोक में कहते हैं, तस्मा त्वम इंद्रियानि आदो नियम या भरतर्षभा पापमा नाम प्रजहीयेनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसमें कृष्ण वर्ड यूज करते हैं तस्मात, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। तस्मात का मतलब होता है देयरफॉर, therefore हिंदी में कहते हैं इसलिए। therefore वर्ड का यूज कब किया जाता है, therefore वर्ड को यूज करते हैं जब कुछ बात को कंक्लूड करना हो। मान लो पहले कुछ बातें कही हो और बाद में उसका सारांश देके उस बात को कंप्लीट करना हो, तो कृष्ण क्या कहते हैं, तस्मा त्वम इंद्रियानि आहादो, हे अर्जुन तुम, त्वम इंद्रियानि आहादो, इंद्रियों से शुरुआत करो। आदो, आदो मतलब बिगिनिंग में, इंद्रियों से शुरुआत करो। इसका मतलब अर्जुन, मैंने पिछले श्लोक में बताया था ना, मतलब कृष्ण ने कि इंद्रिया मन और बुद्धि तीन जगह पे ये कामना रहती है, तो कृष्ण क्या कह रहे हैं, सबके चक्कर में मत पड़ो, तुमसे होगा ही नहीं, तुम खाली इंद्रियों को कंट्रोल कर लो बस। क्या करो, तस्मात्वम इंद्रियानि आदो नियम या, हाथ आगे लाइए, कमोन नियम या, मेरे हाथ को देखिए, कमोन आप भी करिए, नियम या, इसको नियमित कर लो। नियमित मतलब रेगुलेट कर दो। किसको रेगुलेट करो, सेंसेस को। सेंसेस कौन सी है, आंख नाक जीवा कान त्वचा। वन मोर टाइम, कम ऑन, आंख नाक जीवा कान त्वचा। तो मिलते हैं कल सुबह 8 बजे दोबारा अपने पॉडकास्ट के अगले एपिसोड में, एक्सक्लूसिवली मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज या ट्विटर हैंडल पे। और हाँ, शेयर जरूर करिएगा इस मैसेज को, शेयरिंग इज केयरिंग। शेयर करने से सामने वाले का लाभ होता है, और ऐसा मैसेज शेयर करने से आपकी भी तो इज्जत बढ़ती है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद।